हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, लेट्स सी। अब चेक करते हैं विच मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। एक चीज़ तो मैं देखना ही भूल गई, याद आ गई। ओके, मैं वापस गई। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है। मैं इसको निकालूंगी जब मुझे इसकी नीड होगी, क्योंकि इससे मैसेजेस जो है ना हम रोक सकते हैं, ठीक है। चलें, आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है? लेट्स सी, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए, प्लीज सेंड अ स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन का मैसेज मेरे व्यूवर के लिए, मेरे व्यूवर को इनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। स्पीक योर वर्ड वॉइस डिजर्ट ग्रोथ। आपके पर्सन आपको कुछ, आपके पर्सन को यहाँ पर आपने लास्ट टाइम कुछ कम्युनिकेशन की अपने पार्टनर से या कुछ बात करी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा एक असरदार होते हैं, ठीक है। कुछ आपने आपके पार्टनर से कुछ आपने ऐसे वर्ड्स या आपने कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट पर बात करी जिससे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इधर ग्रोथ जो है ना पॉसिबल है। अगर आप लोग एक साथ आए, अगर पर्सन को ऐसा लगता था कि आप जैसे चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या जैसे मानेंगे नहीं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर जो आपने इस पर्सन से बात करी है, या तो आपने कोई मैसेज पहुँचाया है, या आप लोग टेलीपैथिकली जो कनेक्ट होते हैं, तो इस पर्सन को यहाँ पर इस चीज़ का एहसास हो रहा है इस रिश्ते में ग्रोथ आ सकती है, इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग ग्रोथ इस रिश्ते में हो सकती है, ठीक है। मैग्नेटिज्म अट्रैक्शन, ये पर्सन बहुत हाईली अट्रैक्टिव है आपकी वॉइस से, आपके वर्ड्स से, आपके जो आपका जो एक विजडम है, आपके जो इंटेलिजेंट जिस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस है, या तो जितना आप यहाँ पर, इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ है आपकी आपकी बात में कोई ना कोई दम है जो आपने लास्ट में बात करी इस पर्सन से। मैं नहीं जानती आपने क्या बात करी है जिससे इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं, अभी भी आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि ये पर्सन आपको जिससे इस रिश्ते के लिए खुद को चेंज करना चाहता है, एक ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। एक मैग्नेटिज्म, एक मैग्नेटिक एनर्जी है, पर्सन जितना आपसे दूर जाता है उतना आपके साथ कनेक्ट होता है। आप ऐसे ही जैसे आप लोग एक दूसरे के लिए एक मैग्नेट का काम करते हैं, आप लोग दूर भी चले जाएं तो फिर एक साथ आ जाते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आप स्पीक योर वर्ड, अगर आपने इस पर्सन से कुछ बात नहीं की है तो इस पर्सन से आप बात कर सकते हैं, आप इस पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं जिससे यहाँ पर इस पर्सन को होप मिल सकती है, ठीक है, इस रिश्ते में कि अभी भी आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, अभी भी आप इस रिश्ते को आगे चलाना चाहते हैं। वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जैसे मैग्नेटिज्म की एनर्जी है, ये पर्सन आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है और कर नहीं पा रहा, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। आपकी जैसे किसको, जैसे आप आपकी जैसे इसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, किस पर्सन को आपकी सपोर्ट चाहिए, इस पर्सन को इस वक्त नीड है आपकी कंफर्ट, हेल्थ। कंप्लीशन इस रिश्ते में यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ एक कंप्लीशन को फील कर सकता है। ये पर्सन आपके साथ अट्रैक्टिव बहुत है, आपका यहाँ पर टेलीपैथिक कनेक्शन है, आप लोग यहाँ पर 5D लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और बात भी करते हैं। कोई ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना चाहता है, ये पर्सन आपके लिए खुद को चेंज करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सकता है, कंफर्ट जोन में हो सकता है, आप लोग की फ्रेंडशिप जब भी रही है बहुत अच्छी रही है, ठीक है। ये पर्सन कभी भी झिझकता नहीं है आपके साथ किसी हेल्प को मांगने में या कुछ भी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसी की सोल का एक हिस्सा हैं। लाइफ
डार्कनेस, मून की भी एनर्जी यहाँ पर, एडवेंचर, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है ये पर्सन, खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन पे रहता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है, ये आपको मैनिफेस्ट कर लेगा, इसको जितना भी अट्रैक्शन फील हो रहा होगा ये होल्ड बैक कर लेगा, लेकिन एक्शन लेना इसके लिए गवारा नहीं होता। इसको यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है इस पर्सन को, ठीक है, खुद को यहाँ पर ये बदलना चाहता है, ठीक है। प्लांट्स, इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर प्लांट के साथ ग्रोथ आ सकती है। क्रिएटर, इस पर्सन को यहाँ पर ऐसा लगता है अगर आप लोग एक साथ चाहें तो कुछ बदल सकते हैं, लेकिन आपके एक हिंट की ज़रूरत है, आपके जैसे एक 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 इसके साथ एक अच्छे से बात करने की ज़रूरत है। अगर आपने करके देख लिए तो अभी भी आप एक कंफर्ट जोन बना के रखें, आपके लिए एडवाइस है, अगर आप इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं तो इसके साथ, इस पर्सन के साथ एग्रेसिव ना हो, इसके साथ एक बहुत काम और पोलाइट नेचर के साथ इसके साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है। आपको इससे बात करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, एक आपको इससे एक बात करते हुए आपको इसको इस बात को जैसे एक यकीन दिलाना पड़ेगा कि इस रिश्ते में अभी भी पोटेंशियल है, आप लोग तो एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप भी इस रिश्ते में एफर्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद आप अब आप इतना इंटरेस्ट नहीं रहेंगे। वाइंडनेस, इलेक्ट्रिसिटी, अट्रैक्शन बेहद है। क्लींजिंग, कोई स्ट्रॉम आया आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ यहाँ पर टूट फूट कुछ यहाँ पर हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक अट्रैक्शन तो फील कर रहा है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, आप लोग के बीच एक डिस्टर्ब एनर्जी है जिसकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मूवमेंट नहीं हो रही इस रिलेशनशिप में, ये चाह रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, एक न्यू बिगनिंग हो, एक मूवमेंट आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना चाहिए रिलेशनशिप, ठीक है, एक स्पीड से अब चलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वही जहाँ था वही है। कोई ना कोई फेक मार्क्स पहना था इस पर्सन ने पास्ट में, कुछ ना कुछ फेक मार्क्स पहना था इस पर्सन ने, ठीक है। साइलेंस, इस रिश्ते में कोई कंप्लीशन आ रहा है, चाहे अभी जितना भी साइलेंस हो, जितना भी यहाँ पर कोल्ड स्नो की एनर्जी हो, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीशन आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे है, टाइमिंग चल रही है यहाँ पे, डिवाइन टाइमिंग का रोल है। म्यूजिक, एंजॉय, यहाँ पर कोई आपका वॉइस से, सॉन्ग से कोई ना कोई कनेक्शन है जिसके थ्रू आप लोग शायद कम्युनिकेट करते हैं या करते रहे हैं पास्ट में भी। बिल्कुल, आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, आप इससे बात बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। या तो आप पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा काम करते हैं जो आपकी वॉइस से कनेक्टेड है, ठीक है। या तो आपने कुछ इससे ऐसी बात करी है जिससे इसको समझ में आया है, अगर यहाँ पर चीज़ें चाहें तो आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। स्पीक योर माइंड, नहीं, स्पीक योर वर्ड्स, हाँ, स्पीक योर वर्ड, खैर अब इस पर्सन को इस बात को समझ में आ गया, ये आपसे आसानी से मूव नहीं कर सकता, ठीक है, या आपसे आसानी से दूर नहीं जा सकता। यहाँ पर एक मैग्नेटिज्म वाली एनर्जी है, यहाँ पर एक जैसे अट्रैक्ट करते हैं आप लोग, यहाँ पर एक दूसरे की तरफ बेहद अट्रैक्टिव फील करते हैं। मुझे लगा था कि तुम छोड़ जाओगी, इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप इस पर्सन को छोड़ देंगे, ठीक है। ये कुछ आपको बताएगा अब आपको, ठीक है, आपने अब ये आपसे कुछ बताना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन को ऐसा लगता है, मैं आपको कह रही हूँ अगर आप इससे बात करेंगे तो इसको होप मिल सकती है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इससे जो दूर जा रहे हैं शायद आप कहीं और खुश हैं, शायद अब आप इसका वेट नहीं कर रहे, शायद अब आपने इससे मुंह मोड़ लिया है। अगर किसी भी तरीके से अगर आप यहाँ पर कम्युनिकेशन करना चाह रहे तो ठीक है, और अगर नहीं करना चाह रहे, जब भी कोई हिंट भी आप उसको दे सके तो कोई पॉजिटिव साइन दें, इसके लिए आसान होगा आपकी बात को समझना। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप इसको पास पे छोड़ जाएंगे, तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत थे इस पर्सन के साथ, यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में हमेशा से मैं ऑप्शन की तरह थी। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको हमेशा से एक ऑप्शन की तरह रखा, ठीक है। आप ट्रस्ट नहीं करते थे, आप तो आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत फन फ्लर्ट वाला
और भी डेटिंग लोगों को डेट करने वाला पर्सन हो सकता है, डेटिंग एप्स वगैरह पे एक्टिव रह सकता है ये पर्सन, कहीं ना कहीं से आपको पता चल सकता है कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए। ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है, इस पर्सन को ये भी पता है कि इसने ऑप्शन ओपन रखे, तो ये बात भी आपको पता थी। हम फिर मिलेंगे, ये पर्सन एक्यूरियस हो सकता है, लेकिन ये पर्सन कहता है कि हम फिर मिलेंगे। कुछ ना कुछ इसको यहाँ पर कनेक्शन फील होता है। अगर ये इसने आपके साथ दूर जाने की कोशिश करी है, आपसे सब बातें एंड करी हैं, तो इस पर्सन को यहाँ पर इस बात का एहसास ही आपसे दूर नहीं हो सकता। कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसीरियन हो सकता है, ये पर्सन एक्यूरियस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपको आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है। बहुत इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए। पास्ट में लॉजिकल रहा हो, पास्ट में बहुत एयर में रहा हो, बहुत जैसे लॉजिकल माइंडेड, कभी कंफ्यूज हो जाना, कभी बहुत लॉजिकली आपको लेकर सोचना। मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, इस पर्सन ने शायद ऐसा हो सकता है चाहा तो जरूर आपको, लेकिन कन्फेशन आपको इतना आसानी से इस पर्सन ने दिया नहीं है। आप इस कन्फेशन को सुनना चाहते रहे इस पर्सन से। मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात, आप लोग जब भी फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे, वो ये पर्सन याद करता और उसको उस वो चीज़ अच्छी तरीके से याद भी है, ठीक है। मेरा दिल सिर्फ तुम ही दुखा सकते थे। आपने कुछ कहा है इस पर्सन को, ठीक है, जिसकी वजह से ये हर्ट हुआ है, ये आपकी तरफ से है। तुम सही थी, आपने कुछ कहा था जो इसको पर्सन को ऐसा लगा कि हाँ आपने बिल्कुल सही वो बात कही, ठीक है। मैं तुमसे अच्छे की तलाश में रहा, बिल्कुल इसने ऑप्शंस अपने ओपन रखे हुए थे और ये आपसे अच्छे की तलाश में रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लगता रहा है कि उसको आपसे बेहतर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल सकता है, इसको और भी सर्च करना चाहिए, और भी एक्सप्लोर करना चाहिए। शायद आपके पर्सन यहाँ पर अपनी फैमिली फैमिली प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज़्यादा फंसे रहे, इनकी फैमिली भी इनके लिए बहुत ज़्यादा एक बर्डनसम सिचुएशन में रही है। मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, चाहे इसने किसी को भी एक्सप्लोर करा, इस पर्सन को आप जैसा कोई नहीं मिला, लेकिन इसका मुझे यहाँ पर इस आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का लग रहा है कि फैमिली ड्रामा भी है, फैमिली बर्डन भी है, फैमिली कहीं ना कहीं इसकी कंट्रोलिंग या फैमिली की वजह से ही आपको सही तरीके से, जैसे आप एक सीरियस, आपको एक सीरियस पर्सन समझता तो था, लेकिन अप्रोच आपको वैसे नहीं कर सकता था, या अप्रोच नहीं कर पाया, ठीक है। इट्स नॉट ओवर, अगर आपको लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो ये पर्सन कह रहा है ये रिश्ता नहीं ख़त्म हुआ, ठीक है। आई चूज़ यू एंड ओनली यू, ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहता है और सिर्फ आपको ही चूज़ करना चाहता है, ठीक है। अब चाहे आप ऑप्शंस कितने भी रहे हों, लेकिन इस पर्सन ने अपना माइंड बना लिया है कि आप इसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीशन है यहाँ पर। चाहे ये साइलेंट है, लेकिन इसका साइलेंट रहने का ये मकसद नहीं, ये दूर जा रहा है, ये क्लींजिंग चाहता है। जो भी स्ट्रॉम आया, जो भी ड्रामा आप लोग की लाइफ में आया है, जिसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी का स्पार्क ख़त्म हुआ है, एक आप लोग के बीच एक एक जो एक पीस क्रिएट था, वो जो ख़त्म हुआ है, एक जो पैशन ख़त्म हुआ है, वो वापस लाना चाहता है। कहीं ना कहीं इसकी गलती भी, इसने यहाँ पर एक ऑप्शन क्रिएट करके रखे, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, ये पर्सन फिलहाल के लिए चाहता है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। इस पर्सन को अभी स्पेस की नीड है, ये अभी डिस्टेंस पे हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से इस पर्सन को स्पेस की नीड है। एक्सप्लोर, मैंने कहा था ये पर्सन आप एक्सप्लोर कर रहा था अपनी लाइफ में, बहुत एक्सप्लोर अपनी ज़िंदगी में, इसने सोचा कि शायद इससे बेहतर और कुछ मिल सकता है। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड वाइज एंड कैपेबल, ये आपकी एनर्जी, आप यहाँ पर अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वाइज एंड आई एम कैपेबल, शाइन लाइक अ स्टार। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं फिलहाल, इस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो शाइन की तरह शाइन कर रही है स्टार की तरह, ठीक है। यू आर मैजिक, जो इतना अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिज्म जो इसको अट्रैक्शन फील हो रहा है, यू आर मैजिक। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप में कुछ ना कुछ मैजिक है, ठीक है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट बैड, ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि यकीन करो मैं गलत इंसान नहीं हूँ। आई मिस यू एवरी डे, ये पर्सन कहना चाहता है कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ हर दिन। आई एम नॉट स्ट्रक, ठीक है। ऐसा हो सकता है पास्ट में ये पर्सन सोचता हो कि मैं मजबूर हूँ, विक्टिम कार्ड प्ले करता है, लेकिन ये पर्सन को पता है, ये कह रहा है कि आई एम नॉट स्टक, डीप डाउन आई नो देयर इज नथिंग टू फियर। ये डीप डाउन ये पर्सन जानता है यहाँ पर कोई भी फियर नहीं है, अगर ये एक्शन ले ले, अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर कोई भी फियरफुल सिचुएशन नहीं है, ठीक है। आई एम वर्दी, ये अब आपकी एनर्जीज हैं, आप यहाँ पर अफर्मेशंस कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी ग्रोथ पे, अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आई लव यू,
ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, ये जो भी गलतियां कर रहा था उनको भी एक्सेप्ट करना चाहता है। आई वॉन्ट अ फैमिली विद यू, ये पर्सन आपके साथ कोई फैमिली लाइफ क्रिएट करना चाहता है, कुछ ना कुछ आपके साथ यहाँ पर बनाना चाहता है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक है, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, अट्रैक्शन तो बेहद हो रही है, ये ऑब्सेस्ड है, यू आर माई पीस। इस पर्सन को अब लग रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी का एक सुकून बनकर आए थे, एक पीसफुल एनर्जी लेकर आए थे। ठीक है, नो बडी कंपेयर्स टू यू, इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता, आप इसकी लाइफ का एक आखिरी वाला पीस हैं। ठीक है, आई एम टायर्ड, आप थक चुके हैं, इस रिश्ते में एफर्ट दे के काम करके इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए आपने हर कोशिश करी, लेकिन आप लोग के बीच यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का रोल है, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, प्योर मैटर लास्ट मैसेज था, और वो भी अफर्मेशन का था, टाइम टू चेंज, लास्ट मैसेज यहाँ पर भी टाइम का आया और यहाँ पर भी टाइम का आया, यहाँ पर कुछ डिवाइन टाइमिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पर आप लोग के लिए इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक डिवाइन एनर्जी रोल कर रही है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है और यहाँ पे क्या है, कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ल्ड का कार्ड है और कनेक्शन का कार्ड है, जब टाइम राइट होगा तो ये पर्सन सब कुछ एक्सप्रेस करेगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट से चल रहा है, बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट पर है। आई मिस योर स्माइल, ये पर्सन आपके स्माइल को मिस करता है। आई एम ट्राइंग टू हील, ये पर्सन खुद को हील करना चाह रहा है, एक हीलिंग एनर्जी की नीड है यहाँ पर, ये पर्सन खुद को हील करना चाह रहा है, आपके लिए लव फील कर रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर चैनल मैसेजेस में, जो ये पर्सन आपको मैसेज देना चाहता है उन सब में ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है, ये अब आपको टोट ये अब आपको बस ये आपको चूज कर रहा है, इसके पास ऑप्शन भी है तो ये उनको चूज नहीं करना चाहता है, ये आपको मिस कर रहा है आपके साथ यहाँ पर, इस पर्सन को एक फेथ है ये वक्त बदल जाएगा, ये टाइम चेंज हो जाएगा, ये इस रिश्ते में ये हालात नहीं रहेंगे, आप लोग इस पॉइंट पर सारी ज़िंदगी नहीं खड़े रहेंगे, एक डिवाइन टाइमिंग चल रही है, जब सही वक्त आएगा आप लोग एक साथ होंगे, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने सरेंडर कर दिया इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को, ये रिश्ता बनेगा लेकिन अपने टाइम पे बनेगा। ठीक है, मैं सीडी को यहीं तक रखती हूँ, अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।